सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है होली का त्यौहार, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। हैप्पी होली टू ऑल। और आज सुबह का टाइम है, तो हम करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ हम होली इतनी खेलते नहीं है और बच्चे खेलते हैं। सो उनके लिए जो अपना वो उन्होंने सारा सामान फैला रखा है कि हमने होली खेलनी है, वो कल के एक्साइटेड हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या सामान लाए हैं। उसके पहले मैं उनकी करूँगी ऑयलिंग और दिखाती हूँ वो कितने खुश हैं। साहब जी तैयारी कर रहे हैं अपनी गन गुन्स। देखो ये सारा सामान होली का लेके आया, अभी बैलून्स फुलाने हैं। तो चलो फिर इसकी भी ऑयलिंग करके ये बाहर भी खेलेंगे, फिर हम बैलून्स फुलाते हैं। और वो देखिए हमारी कैंडी है, और कैंडी और मैंने वो बाहर वो भी इंतजार कर रहे हैं अभी कब आएंगे। ये देखिए वाटर बैलून्स भरे जा रहे हैं छत पे आ गए। इन्हें ऊपर क्यों आए? अच्छा नोजल चाहिए है ना। कायरा इज रेडी, लड़ाई के लिए रेडी। लड़ाई नहीं, होली। ऑयलिंग होगी इनकी, बस अभी खेलेंगे। पुराने कपड़े पहन लिए, अगर आप नए पहनने चाहते हैं तो नए पहनिए, आप पे आपकी मर्जी है। वैसे मोस्टली लोग नए कपड़े डालते हैं, बच्चे हैं गंदे गंदेंगे, साफ ही नहीं होते कलर्स। तो मैंने इनको जो पुराने हैं वो डाल दिए हैं कपड़े। ये देखिए पहले ये बढ़िया टेक्निक है, पहले जमाने में ना बहुत मुश्किल। हाँ जब हम वो करते थे ना, अब तो बहुत इजी हो गया। हाँ बस ऐसे लगाओ, पानी चलाओ। तो हमारे टाइम में ना हम ऐसे मैंने कैसे पानी डालते थे उसमें, घंटा घंटा लगाते थे। हाँ पिचकारी के साथ। हाँ 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 ये टेक्निक अच्छी है। बस ये फिल हो जाएंगे पानी के साथ, छोड़ दो इनको। हाँ जी होली होली। मम्मी ने कपड़े बदले, आना अटैक कर ली, रेडी है आगे मम्मी बाहर, आना अटैक। मम्मी देख, मम्मी नानी आ जाओ, वो खिंच के ले आ रहा।
तब तक जाकर नहा लीजिए और बी सेफ होली के लिए ज़्यादा इकट्ठे में ना जाइए और हो सके तो घर पे या अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। वैसे तो अब तक सबने कर ली होगी जब तक मेरा ब्लॉग जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना का दोबारा से जो चलन हो गया है सो इसलिए थोड़ा ध्यान से मिलते हैं आपको नहा धोके। खेलने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके सो गए थे, बहुत थक गए थे।